नमस्कार अच्छो, अध्याय 9 चल रहा है हमारा, बल और गति। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए देखिए, आज हम लेंगे कि वस्तु का तैरना या फिर उसका डूबना। ठीक है, दो ये जो बिंदु है हमारे, इनको हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले देखिए आप, वस्तु का तैरना या डूबना, देखिए द्रव में जब वस्तु को हम डालते हैं तो आपने देखा होगा कि एक लोहे का टुकड़ा, छोटा लोहे का टुकड़ा है, वो उसके अंदर डूब जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा जहाज नहीं डूबता, आराम से तैरता रहता है, जैसे नाव तैरती रहती है। ठीक है, क्योंकि अधिक नाव लकड़ी की भी बनती है और थोड़ा उसमें लोहे का भाग भी होता है, आजकल चद्दर की भी नावें बनने लग गई। तो जहाज के बारे में देखा जाए, जहाज लोहे का बना होता है। ठीक है, जहाज का अधिकांश भाग लोहे का बना होता है, वो तो नहीं डूबता, लेकिन हमने एक लोहे का थोड़ा छोटा सा कोई टुकड़ा डाला, वो डूब जाता है। इतना बड़ा जहाज नहीं डूबा, छोटी सी वस्तु डूब गई, क्या कारण है? इसी तरह से देखते हैं हम कि एक पत्थर का टुकड़ा हमने डाला, वो डूब गया, और लकड़ी का टुकड़ा डाला, वो नहीं डूबा, इसका क्या कारण है? तो वस्तु का तैरना या डूबना, इसके लिए देखिए, कोई वस्तु द्रव के अंदर हमने डाली, ये मैंने द्रव लिया, ये द्रव है, ठीक है, पानी, और यहां मैंने इस वस्तु को यहां इस पानी के अंदर, ठीक है, तो आप चित्र बना लें। पहले चित्र बनाने के बाद आप इसको, मैं समझाता हूं आपको कि यहां किस 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 तरह के बल कार्य करेंगे। चित्र बना लें आप, देखिए ये वस्तु है और इसको पानी के अंदर मैंने, पानी के ऊपर मैंने यहां रखा हुआ, अभी मैंने इसको तैरता हुआ दिखाया हुआ है। इसका कारण देखिए, जब किसी कोई भी वस्तु पानी में जाएगी तो वहां पर उस पर दो तरह के बल कार्य करेंगे। एक बल तो उस पर नीचे की तरफ कार्य करेगा, ये वस्तु है, जो उसके भार के कारण होगा, नीचे की तरफ जो बल कार्य करेगा वो, मैं पिछली क्लास में हम इस चीज को पढ़ के आए हैं कि ये तो होगा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि वस्तु के भार के कारण नीचे की तरफ होगा। एक बल ये द्रव इस पर ऊपर की तरफ लगाएगा, जो द्रव है ये इस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा, जिसको हमने पिछली क्लास में हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये होगा उत्प्लावन बल, ये है उत्प्लावन बल, जो कि द्रव इस वस्तु पर ऊपर की ओर लगाएगा। अब दोनों देख रहे हैं आप, दोनों अपोजिट हो गए, एक नीचे की तरफ है और एक बल ही ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब वस्तु कब तो डूबेगी और कब तैरेगी, वो पहला बिंदु, जो पहली बात जो समझा जाती है, वो इन दोनों बलों के आधार पर समझाई जाएगी। चित्र बन गया, अब एक ही चीज हम देखिए, बनाइए आप थोड़ा सा, उसको पूरा कर लीजिए। उत्प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे कैसे है? अपोजिट। ठीक है, बनाया चित्र, आगे बढ़ता हूं मैं। तो पहला जो डूबने का और तैरने का जो सिद्धांत है वो यहीं से आएगा। यदि समझिए, पहली चीज, यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान, मतलब वस्तु के भार का मान जो है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान इस उत्प्लावन बल से अधिक है, तो यह इस वस्तु को अपनी ओर खींच लेगा। इसका मतलब वस्तु पानी के अंदर डूब जाएगी। पहली पहली बात, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है उत्प्लावक बल से, तो क्या होगा बताइए? वस्तु डूबेगी या तैरेगी? वेरी गुड, वस्तु डूब जाएगी, ये तो पहली बात हो गई।
नोट करते रहे आप। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है वस्तु का भार से ही संबंधित है। पढ़ेंगे अगला चैप्टर हमारा यही चलेगा, नेक्स्ट चैप्टर यही होगा गुरुत्वाकर्षण बल वाला, ठीक है। दूसरा वस्तु का, अब मैं सिर्फ भार ही ले रहा हूं ना गुरुत्वाकर्षण, और मैं बता चुका हूं आपको एक ही चीज, वस्तु का भार कम है उत्प्लावन बल से। पहले ज्यादा था अब कम हो गया, अब क्या होगा कि वस्तु वहां पर आंशिक रूप से डूब करके तैरेगी, ठीक है। तो वस्तु आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी, तैरेगी सही लेकिन थोड़ी सी डूब जाएगी। हम देखते हैं ना कोई वस्तु थोड़ी सी डूब करके भी तैरती है, आंशिक रूप से डूब कर तैरेगी। जैसे लकड़ी डाला थोड़ी सी डूबी रहती है और फिर वो तैरती रहती है। कई लकड़ियां होती है कई पूरी तरह से तैरती रहती है। नंबर तीन, जब दोनों बराबर हैं, वस्तु का भार बराबर है उत्प्लावक बल के। अब क्या होगा अगर पानी के अंदर आपने बर्फ के टुकड़े को डाल दिया तो वो लगभग मतलब अधिक डूब करके, तो क्या होगा वस्तु पूरी डूब करके तैरेगी, ठीक है। क्या होगा वस्तु पूरी डूबकर तैरेगी। तो ये तीन पॉइंट तो ये रहे कि वस्तु तैरेगी कब, तैरेगी और कब डूबेगी डूबेगी, ठीक है। ये तो रहा उसके भार से संबंध, अब हम उस वस्तु के तैरने और डूबने को घनत्व से भी संबंधित करते हैं, घनत्व के द्वारा भी इसको समझाया जाता है। तो वो किस तरह समझाते हैं वो अभी मैं लेता हूं, देखिए इसको जल्दी से आप नोट कर लें। तो दूसरा बिंदु यही रहेगा घनत्व एवं वस्तु के तैरने में संबंध। वस्तु का घनत्व एवं उसके तैरने में संबंध। विस्थापन का भी आता है वही घनत्व में, जो पानी कितना फैला रही है, कितना एक्सपेंशन कर रही है, कितना पानी को विस्थापित कर रही है, वो भी तैरने संबंधित यही आता है। वस्तु का घनत्व एवं उसके तैरने में संबंध। थोड़ा सा दिख नहीं रहा था ये, अब दिखने लग गया। वस्तु का घनत्व एवं उसके तैरने में संबंध। पहला, यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है, नंबर एक, वस्तु का घनत्व कम है जल के घनत्व से। देखो मैंने बहुत ही शॉर्ट और स्वीट वे में लिखा है इसको, जल का घनत्व, तो क्या होगा वस्तु आराम से तैर पाएगी, ठीक है। लिखे वस्तु का घनत्व कम है जल के घनत्व से, देता हूं मैं यहां से। इसका मतलब क्या होगा वस्तु तैरेगी, वस्तु तैरेगी आराम से, वस्तु तैरती
रहेगी, ठीक है। जैसे पानी के अंदर लकड़ी को डाल रहे हैं, लोहे का टुकड़ा डाल दिया तो वो डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा डाला तो वो पानी को जो फैला रहा है ना, वो बहुत ज्यादा है उसके भार से। अब वस्तु का घनत्व ज्यादा है जल के घनत्व से, तो क्या होगा? देखिए नंबर दो बिंदु, वस्तु का घनत्व ज्यादा है जल का घनत्व। अब क्या होगा? वस्तु डूब जाएगी, डूब जाएगी वस्तु पानी के अंदर, ठीक है। घनत्व होता क्या है यह भी तो हमें पता होना चाहिए। घनत्व के बारे में सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया, लेकिन वो घनत्व है क्या अभी देख लिए, अभी आपको पता चल जाएगा घनत्व क्या है। घनत्व किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान, मतलब उसका आयतन और द्रव्यमान का अनुपात। तो किसी वस्तु के डेंसिटी, घनत्व को क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में, डेंसिटी। किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एकांक आयतन का, लिखते रहे आप, एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। घनत्व को किससे प्रदर्शित करेंगे, ये सवाल है आपके लिए, या नीचे लिख लेना आप जिससे प्रदर्शित करते हैं उसको जल्दी से। मैं कई बार बता चुका हूं, प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो उसका अंग्रेजी नाम है उसका मोस्टली, ठीक है ना, ज्यादातर उसका पहला अक्षर ले लेते हैं। तो हम तो अभी ज्यादातर वाला ही काम करते हैं। तो घनत्व को प्रदर्शित किससे करेंगे, या पहला अक्षर क्या आ रहा है, डी, तो डी से करेंगे। इसमें कौन सा क्या है, सभी जानते हैं हम तो, घनत्व डी बराबर द्रव्यमान मास एम, एम वटे आयतन वी। सूत्र बनाया जाए तो डी बराबर एम बटे वी, द्रव्यमान बटे आयतन। मात्रक द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और आयतन क्या होता है मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, आप लिख ले। ये हो गया घनत्व का मात्रक।
घनत्व के बाद अगला हमारा एक बिंदु रहेगा, थोड़ा सा आपेक्षिक घनत्व के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो देखिए, आपेक्षिक घनत्व क्या है कि किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। उस पदार्थ के घनत्व में अगर पानी का घनत्व क्या भाग दे दो तो उस पदार्थ का क्या जाएगा, आपेक्षिक घनत्व। तो अगला घनत्व के साथ ही है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। तो अब हम आपेक्षिक घनत्व पढ़ेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। जन टीवी फ्री चैनल है। अगर आप जन नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही केबल ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें। शुरू करते हैं आपेक्षिक घनत्व। या लिखा हुआ है किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व, मतलब जिस पदार्थ का हम आपेक्षिक घनत्व निकाल रहे हैं उसका घनत्व एवं पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। और उसका घनत्व और पानी घनत्व का अगर अनुपात निकालें तो उसके बराबर क्या जाएगा, उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। सूत्र क्या बनेगा, आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। और अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि उत्प्लावक बल से ही संबंधित है, ठीक है। तो उसमें कुछ ज्यादा नया नहीं है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, क्या है, देखिए, जब किसी वस्तु को तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है। सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, आपने लिखी लिया, अब आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को
तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह वस्तु ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है। लिखे आप, तो वह वस्तु ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आप इस पूरे नियम को लिखें क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। जो ऊपर की ओर बल अनुभव कर रही है इसे क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। और यह सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत या उत्प्लावक बल कहते हैं। ठीक है, नोट कर लें आप फटाक फटाफट से। इसके उपयोग क्या है? इसके उपयोग एक तो पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के काम आता है। उपयोग पहला, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में। पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में जलयान एवं पनडुब्बियों का डिजाइन बनाने में जलयान और पनडुब्बियों का डिजाइन मतलब वो पानी में तैर सकें या पनडुब्बी पानी के अंदर रहती है तो अधिक समय तक पानी के अंदर रहे और घर्षण कम रहे उसका इस तरह से डिजाइन बनाया जाता है जिससे कि वो आसानी से पानी के अंदर तैर सके। अगला है दुग्धमापी एवं दुग्धमापी क्या होता है? दूध की शुद्धता नापने का कार्य करता है एवं हाइड्रोमीटर की कार्य प्रणाली उसी तरह से कार्य करता है। वो डूब जाता है उसमें दूध नापते हैं जब की कार्य प्रणाली में। ठीक है, जब पानी में बर्फ तैरती है वो इसी सिद्धांत के आधार पर तैरती है। पानी में बर्फ का तैरना वो भी इसी के तहत आता है। तो ये आप आर्किमिडीज का सिद्धांत नोट कर लें।
इस चैप्टर को हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण रहेगा, उससे पहले मैं इसके कुछ प्रश्न करवाऊंगा, आंकिक प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हमें करना आना चाहिए। ठीक है, अब हम लेते हैं इसके कुछ आंकिक प्रश्न। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक में पीछे लास्ट में जो प्रश्न दिए हुए हैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो मैं सबसे पहले प्रश्न नंबर कर रहा हूं, आंकिक प्रश्न नंबर 2। ठीक है, आंकिक प्रश्न। न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमें करना आते हैं, इसका मतलब हमें कंसेप्ट समझ में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रश्न ले रहा हूं मैं, देखिए हमारी बुक में दिया हुआ है वो पेज नंबर 122 पर, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 122। ठीक है, प्रश्न है, एक बस की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 5 सेकंड में, प्रश्न में लिख देता हूं, एक बस की चाल 25 किलोमीटर प्रति आवर से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 5 सेकंड में 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। बस का माध्य त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है पहले से ही, आप पहले प्रश्न को समझें कि एक बस की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक चाल, बस की प्रारंभिक चाल कितनी दे रखी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो 5 सेकंड में समय दिया हुआ है, 5 सेकंड बढ़कर के हो जाती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब उसका अंतिम चाल दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बस का माध्य त्वरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में त्वरण का सूत्र लिखेंगे, माध्य त्वरण या त्वरण। ठीक है, हम माध्य त्वरण ज्ञात करते हैं, वस्तु का अंतिम वेग बटे माइनस वस्तु का प्रारंभिक वेग बटे समय, इस तरह से हम त्वरण को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ प्रतीकों के रूप में लिखूं तो a बराबर v माइनस u बटे t, ये हम अच्छी तरह से पढ़ के आए हुए हैं। अब हमें चाहिए क्या, ए तो हमें ज्ञात करना है, ए तो हमें ज्ञात करना है, यहां पर मैं लिख रहा हूं सारी चीजें, ए ज्ञात करना है, हमें वी चाहिए, यू चाहिए और टी चाहिए, वी यू और टी, टी दिया हुआ है 5 सेकंड, वी भी दिया हुआ है और यू भी दिया हुआ है, लेकिन उनकी जो यूनिट्स है ना वो यूनिट हमें बदलनी पड़ेंगी। वी और यू दिए हुए हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, यहां पर समय सेकंड्स में गिवन है, अगर ये समय घंटे में होता तो हम डायरेक्ट सॉल्व करके फाइनली उसको यूनिट को बदल सकते थे, लेकिन हमें यूनिट पहले ही बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इधर निकाल रहा हूं मैं पहले v, यहां देखिए v बराबर 25, v बराबर 25 नहीं है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदल रहा हूं मैं मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा इसको बदल रहा हूं मैं 70 इंटू, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देता हूं, तो मैंने 1000 से गुना कर दिया बटे, और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए मैं 60 गुना 60 कर देता हूं यहां पर, तो 60 गुना 60, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 70 इंटू 5 बटे 18, ये एक डिजिट है जिसको हम याद रख के सीधा ही यहां पर काम कर सकते हैं, ये 5 बटे 18 कैसे आया, मैं अब इसको दिखा देता हूं कैसे आया, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है, 2 से काटो, 2 पंजे
दस और दोतिया छ, पांच बटे छतिया अठारह। तो हम सीधा पांच बटे अठारह लिख करके किसी भी किलोमीटर प्रति घंटे की यूनिट को मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। तो ये बन गया अब हमारा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर चाहें आप इसको तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19.4 मीटर प्रति सेकेंड। सॉल्व करके आप देख लेना इतना ही आएगा जो मैंने यहां पर लिखा। ठीक है, अब मुझे चाहिए u। तो u बराबर कितना दिया हुआ है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 25 इंटू 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकेंड। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, 1000 लिखना पड़ा ना 3600 लिखना पड़ा, डायरेक्ट आप इसको गुना करें सीधा वो मीटर प्रति सेकेंड में पर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा लगभग 6.9 मीटर प्रति सेकेंड सॉल्व करने के बाद। अब हमारे पास v भी आ गया, u भी आ गया, वो भी हमारे जिस यूनिट में हमें चाहिए उसमें मिल गया है। अब इसका यहां पर मान रख देंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। अब यहां ज्यादा बड़ी चीज नहीं रही, देखिए a बराबर v 19.4 माइनस 6.9 अपॉन कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, ये तो है मीटर प्रति सेकेंड में ये दोनों, और ये है सेकेंड में, तो गुना सेकेंड। यूनिट्स को साथ ही रखना है, यूनिट को अकेला नहीं छोड़ना है क्योंकि हमारे फिर मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये तो था मीटर प्रति सेकंड में, तो मैंने लिख दिया दोनों को कॉमन लेके लिख दिया मैंने एक जगह और इनको अलग से लिख दिया। पूरा देखो पूरा कैसे करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं पूरा बता देता हूं। ए बराबर 19.4 मीटर प्रति सेकेंड माइनस 6.9 मीटर प्रति सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। ये इस तरह से करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लो साइड में और इसको भी इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, देखो 19.4 माइनस 6.9 मीटर प्रति सेकेंड कॉमन लेके साइड में रख लिया मैंने, बटे 5, और 5 के साथ क्या है, 5 को थोड़ा ऐसे बना लो एस ना लगे, 5 इंटू मीटर प्रति सेकेंड तो पहले से ही है इंटू 1 सेकेंड इस 5 के साथ आ गई, यहां पर आ गई। ठीक है, तो इतना हो गया। ये बचेगा 12.5 बटे 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आते ही हमें एक खुशी मिलेगी कि जो त्वरण का मात्रक होता है वो देखो वो आ गया यहां पर। ठीक है, तो हमारा आंसर सही की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने इसको किया है कि हमें किस तरह से यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, मानों को कैसे सॉल्व करना है, वहां पर भी हमें अगर किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी मुझे हमें क्या एक छोटी सी चीज हमें याद रखनी है, 5/18 लगाओ सीधा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 इस तरह से पूरा होता है। आप इसको जल्दी से नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, इस तरह से आप प्रश्न नंबर 3, 4, 1 इनको भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इनको कीजिए और कोई समस्या आती है तो आप अपने साथियों की और अपने टीचर की भी हेल्प लेंगे जिससे आप आंकिक प्रश्न करना सीख जाएं।
ठीक है, क्योंकि आंकिक प्रश्न भी 10th क्लास में आपको पर्टिकुलर मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है, 3-4 नंबर के प्रश्न है, जो कि ये वहां पर नंबर, ये नंबर जो होते हैं आंकिक प्रश्नों के मार्क्स, वो परसेंटेज को बढ़ाने के काम आते हैं, परसेंटेज को अपग्रेड करने में ये काम आते हैं, क्योंकि इनको हर एक स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, इसलिए हमें अभी से प्रैक्टिस करनी है कि हम आंकिक प्रश्न करना सीख जाएं, और अगर आप आंकिक प्रश्न करना सीख गए तो आपकी परसेंटेज समझ लीजिए आपकी आप परसेंटेज अपग्रेड हो चुकी है, बढ़ चुकी है। आप पहले जो भी मार्क्स लेना लाना चाह रहे थे, मान लो पहले आप एक्स मार्क्स लेना चाह रहे थे, तो आप उसमें 5% जोड़ लें आंकिक प्रश्न करना सीखने के बाद, कि आप उसमें 5% बढ़ा के ही मार्क्स लाएंगे साइंस में, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा पूरा रहा, अगली क्लासेस से हम नेक्स्ट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट करेंगे, तब तक नमस्कार।